चलिएगा बांदा वर्सेस भूगोल के मध्य या मैच चलता हुआ, क्या लगता है तिलक साहू ये भी माइंडली गेम जाएगा या नॉर्मली? या इससे पहले हम मान लेते थे काफी माइंडली गेम से गया था झाड़ मुकली वर्सेस जलधर के मध्य, मात्र 3 पॉइंट का अंतर था, टोटल 9 पॉइंट ही देखा गया था 14 मिनट जैसा हो जी, और सेम दोनों ही अंपायर अभी भी हैं चेतन साहू और सुमान साहू, 625 मैचों का अनुभव है। निश्चित तौर पे हमारे बीच अभी मौजूद हेमलाल जी अंपायरिंग के लिए आए हैं, लगभग 700 मैचों का अनुभव रखते हैं, काफी करीब से देखते हैं, झुक के देखते हैं, ऐसा लगता है कि खिलाड़ी पॉइंट को पकड़ रहे हैं। 9 नंबर की जर्सी पहने भाई, पिछले साल भी देखे गए थे इस मैदान में, इस दफा भी काफी अच्छी रेडिंग करते हैं, बीच में ही कंट्रोल कर लेते हैं अपने आप को, लास्ट तक आते ही नहीं है, हर बार देखा गया है इनको। मुकेश भाई और अखिलेश जहाँ के भी हो मैदान नंबर 2 में आए बाजी। 4 नंबर के जर्सी पहले खिलाड़ी जा रहे हैं रेड करने के लिए, लंबे कद के खिलाड़ी फूर्ति से भरे हुए हैं, देखते हैं क्या करते हैं अपने टीम के लिए। रे सिरवानी और खिलेश गंजी मैदान नंबर 1 में आए, बांदा की टीम से खेलते हैं, जबरदस्त रेडर, 4 स्टार रेडर माने जाते हैं अपनी टीम के लिए, बिना कोई पॉइंट लिए वापस आते हुए काफी मुस्कुरा रहे हैं। सोम भैया आप क्या बोलना चाहते हैं खिलाड़ी के लिए? लगभग 2 मिनट का खेल हो चुका है लेकिन अभी तक किसी भी टीम ने खाता नहीं खोला है, लगभग ये भी लो स्कोरिंग मैच जाएगा तिलक, क्यों? हाँ काफी लो स्कोरिंग मैच कहा जा सकता है, खाता नहीं खोला है अभी तक दोनों ही टीमों का। आपका आगमन हमारा सौभाग्य होगा, आप जल्द से जल्द आइएगा मैदान में, समय को ध्यान में रखते हुआ, समय एक बार बीत गया सो बीत गया लौट कर नहीं आता। हाँ मंडली के आगमन हो चुके हैं, कृपया निर्णायकगण आने की कष्ट करेंगे मैदान नंबर 1 पर। निर्णायक है हाँ सीयू साहू जी, ध्यान दें कि अगर आपके ग्राउंड में या मेरे ग्राउंड में किसी भी 1 नंबर या 2 नंबर में कोई भी भाई सीडी डायरेक्शन का चाबी पाए होंगे तो शीघ्र कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें, किसी भाई का बाइक का गाड़ी गुम गया है, चाबी गुम गया है तो निवेदन है जो भी भाई पाए होंगे शीघ्र कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें, निवेदन है। गाड़ी नहीं घूमे सी चाबी घूमे जी चाबी आ चुका है मैदान में, सिंगल होल्ड किया था मुकेश और 9 नंबर के प्लेयर किए थे पिछली दफा इस मैदान में और आज एक बार फिर इसी मैदान में, इस बार चप्पल देके निकलना चाहते हैं और निश्चित तौर पे निकल जाएंगे, नीली कलर के जर्सी पर खिलाड़ी टैकल नहीं कर पाए अच्छे से। विजय भाई आपके पास मुकेश साहू है क्या और खिलू साहू, तो मैदान नंबर 1 में भेजिएगा क्योंकि यहाँ दोनों खिलाड़ी आ चुके हैं और दोनों की कमी महसूस हो रही है, तो भेजिएगा मुकेश साहू और खिलू साहू को। जी हाँ मुकेश साहू और खिले जंजीर जहाँ कहीं भी हो अतिशीघ्र ग्राउंड नंबर 1 में आएंगे, आप
दोनों इस मैच के अंपायर होंगे। अभी मैच चल रहा है पांडा वर्सेस घुघवा, शायद यह करसा वाला घुघवा है। काफी मांडली गेम मुकेश साहू, अगर आपके पास कोई सीटी होगा तो किसी व्यक्ति पर के पास भेजवा दीजिएगा, उसके बाद से वो घर ले जाएंगे उसको सीटी को। नो, रात में बजाऊंगे ना। नहीं मिल गए कहा से हूँ तो घर लेके जाए जरूरत नहीं है। सिलेंडर का जो चाबी है मिल गया है। बहुत बहुत धन्यवाद देने वाले भाई को। कितने का कितने रिटर्न आते हैं हमें सीटी हा सुधर इस दी करके हाओ। चलिएगा, नौ नंबर के प्लेयर आए हैं रेक करने के लिए, बिना कोई पॉइंट लिए वापस जा रहे हैं। फुर्ती से भरे हुए खिलाड़ी, लंबे कद का ठीक है, शरीर थोड़ा कम लेकिन फुर्ती है ना, तीर भी शर्मा जाए। ताजी के फ्रेंड हुए हैं। चली चली रे चली, नौ नंबर की जर्सी चली और बिना कोई पॉइंट लिए वापस जाते हुए चार नंबर की जर्सी में जा रहे हैं। लगभग 30 सेकंड का टाइम बाकी, फर्स्ट आएगा अंपायर। हमारे बीच आगमन हो रहा है गन्नायक प्रसाद का। आइएगा, आप भूतपूर्व अध्यक्ष है कमेंट्री में, लेकिन कपड़ी के टीम को कोई खाता नहीं खुला। देखते हैं फिर गिरा के टीम क्या कर पाते हैं। पांडा का बढ़ता हुआ स्कोर है 2 पॉइंट और घुघवा का बहुत ही मजेदार है। कपड़ी वाले की टीम का स्कोर चल रही है, जिद्दी हाथ चल रही है 1 पॉइंट के लिए, लेकिन अभी तक पॉइंट नहीं आया है। अभी तक सेट करते हैं ये 7 पॉइंट लाने की कोशिश तो भरपूर है, लेकिन देखते हैं टाइम आउट। चलो सेकंड हाफ का शुरुआत पांडा वर्सेस चूना वाले भाई, चूना मारे आप घुघवा। अभी तक घुघवा ने चूना वाले खाता नहीं खोला है। शाबाश, आप क्या कहना चाहते हैं शिव कुमार इस मैच को देखने के बाद? दोनों का स्कोर बता देना चाहूंगा, दोनों ही स्कोर ले वाले हमारे तरफ ही समझदारी के साथ चल रहा है मैच। चेतन भाई स्कोर का पहुंचेगा, लगभग 7 मिनट का खेल पूरा हो चुका है हाफ टाइम, लेकिन स्कोर जा पहुंचे है 2-2 है भाई। ये तो खाली खाली दिखता है, सुना है भाई पानी वाले भाई जवाब बना है यहाँ पे लावानी अहिरावन गुदम के प्लेयर है, हंस रहे थे वो। कैसे विजय? निश्चित तौर से पापा जी किरदार निभाते रावण। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हंसी मजाक को छोड़कर इस मैच पे देखते हैं घुघवा वर्सेस पांडा के मध्य मुकाबला चल रहा है। एक पॉइंट का इजाफा पांडा की टीम में। चुना वाले और भतीजा पॉइंट चुना लगा का कका हो गया काका भतीजा है वंजना का कैसे हो जाएगा बोला पता नहीं परंपरा कैसे ना का थी। अगले मैच उतई
और बेलौदी। चलिए एक नंबर की जर्सी में सवार गुगवा के प्लेयर उन्नई और बेलौदी जल्दी तैयार है भाई। अभी तक गुगवा और दो नंबर में जामुन और हल्ली बेलौदी वो भी तैयार है भाई। अभी तक गुगवा के टीम ने अपना खाता नहीं खोला है और यहाँ पे निश्चित तौर पर खाता खोल लिए हैं। और दोनों को 7 मिनट का टाइम दिया जा रहा है ना। हाँ वो 7 मिनट का समय नहीं लेकिन एक बार गुगवा के टीम है वापसी संकेत दे दे किसे भी शिव करने की कृपा करेंगे। हाउ हमारे जितेश भाई बहुत सुंदर आनंद ले रहे हल्दी बेलौदी वर्से जामुन ये एंगल में टैप एंगल छोड़ दीजिए फिलहाल धरा थे शरीर थोड़ा भारी है फिलहाल दिखाते कहा गेंद फेंकने आ रहा रास्ता हुआ कोई देखते क्या कर पाते हैं। जबरदस्त गेंद सीने को छूती हुई गेंद गई बाउंसर मारा था रवाड़ा ने काफी अच्छा प्रयास यार का लाइन की गेंद थी लेकिन बाउंसर चली गई सीधा सीने में जाके लगी। विराट कोहली अभी थोड़े सहमे हुए चलिएगा रणनीति अगर बन गया होगा तो सी स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता है समाप्त आपको सीधे प्रसारण 4 मिनट का समय हो चुका है वर्सेस खबरी सेकंड हाफ का दोनों टीम को सूचित कर दूं कि समय 4:30 हो चुका है सेकंड हाफ का यह मैच तो और इस बार उठा लिए जाएंगे लेकिन नहीं मना किया थोड़ा ज्यादा दूर टाइम आउट विट्टू साहू इस प्रकार यह मैच चलते हुआ कटोप लगाए हुए रीडर आए हैं रेड करने के लिए देखते क्या कर पाते हैं और इस प्रकार पकड़ लिए जाते हैं लेकिन 2 पॉइंट अभी जबरदस्त रेडी का प्रदर्शन टाइम आउट लिया गया है खबरी द्वारा श्रीमान कृष्ण हिवाणी जी ध्यान देंगे पोहर जा रहा है खबरी की तरफ से जा रहा है रेड करने के लिए कबड्डी के रेडर उनके जर्सी पे कबड्डी लिखा हुआ है 10 नंबर की जर्सी पहनना पसंद करते हैं। एक मिनट का इस समय शेष रह गया है झंडू का एक बार 3 का एक बार 4 काम घलो कर रहे थे कभी कभी तीने का अपने करे कैसे क्या सिर्फ बात सही है कभी वो बोलते हैं झंडू चलिए 30 सेकंड का ही समय शेष रह गया है इस मैच को समाप्त होने में। अब देखते हैं मात्र 30 सेकंड के हाल में क्या कर पाते हैं तिलक चेक ओमकार साहू जहां कहीं भी हो और मैदान नंबर 1 में आएंगे ओमकार साहू और बंटी इरवानी ये इस मैच का नंबर 1 में आएंगे। देखते हैं 9 नंबर के जर्सी समार पांडा की स्टार रेडर अपने टीम को और बढ़त दिला पाते कि नहीं औपचारिकता ही कहा जा सकता है इस मैच का बहुत डांस देखने मिला थे बहुत डांस हुआ
देखे देख ना लिखा।